नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ रिया शेख। पूरे भारत में NRC और CAA को लेकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित और सभी समाज के लोग जो एक हो गए, इसका नमूना अगर देखना है तो नागपुर के मोमिनपुरा से ये जो रैली निकाले गए हैं, ये संविधान चौक जाएगी और यहाँ सत्य पे आधारित ये न्यूज़ जो मैं आपको पहुँचा रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, रियाज शेख के साथ, कि इस रैली में सारे समाज के लोग जो मेरे साथ है। आइए हम सर से बात करते हैं कि इस CAA और NRC का विरोध किस तरीके से हो रहा है। सर, आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम रविकांत मथुराम है और मैं नागपुर शहर का बहुजन क्रांति मोर्चा का संयोजक हूँ। NRC और CCA को लेकर क्यों विरोध जताया? हम लोग NRC और EVM का विरोध कर रहे हैं पूरे देश में। अगर ये NRC लागू करना है तो DNA के आधार पर हो, इसके सिवा और कोई आधार होना नहीं चाहिए। अगर आप इस देश में हम लोगों को भारतीय समझते हो तो हमारा DNA लो, ब्राह्मणों का लो, सिखों का लो, हमारे मुस्लिम भाइयों का लो, आदिवासियों का लो और DNA के आधार पर नागरिकता इस देश में। जो अभी रैली निकाली गई है, ये इसमें कितने समाज के लोग? इस समाज का नेतृत्व पूरा बहुजन क्रांति मोर्चा कर रहा है। OBC, SC, ST, आदिवासी, सिख, मुस्लिम सारे लोग इस रैली में शामिल है। और आपको बता दूं, ये रैली भारत के 31 राज्यों में, 550 जिलों में, लाखों की तादाद में निकल रही है। ये जो आप नागपुर की रैली देख रहे हो, इससे 10 गुना बड़ी रैलियां केरला, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तमिलनाडु, मद्रास, दिल्ली और UP में निकल रही है। क्योंकि उनका DNA और हम लोगों का DNA एक समान है। सिर्फ ब्राह्मण का DNA जो भारत के लोगों से नहीं मिलता है, वो यूरेशिया के लोगों से मिलता है। चाहे DNA चेक करवा ले तो DNA सबका एक ही मिलेगा। मैंने कहा कि इस रैली में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने शिरकत की है और ये रैली निकल कर संविधान चौक जाएंगी। ये नागपुरी नहीं, पूरे देश में CAA NRC का विरोध जताया जा रहा है। उसके बाद में जेएनयू में जो छात्रों पर हमला हुआ, उससे तो और भी देश में मातम सा छाया हुआ है। हमारे साथ MIM के पद अधिकारी है, आइए हम उनसे भी बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले बात करेंगे हम जावेद भाई से। क्या कहेंगे जावेद भाई NRC को लेकर? NRC को लेकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो काला कानून इंडियन गवर्नमेंट ने, ये जो हम बार बार प्रोटेस्ट करने के बाद भी अमित शाह बोलता है कि हम एक इंच पीछे नहीं उठेंगे, तो हम भी ये अमित शाह को बताना चाहते हैं कि हम भी जब तक ये कानून वापस नहीं लेगा, हम भी एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ये अमित शाह को हम कहना चाहते हैं। ये मजमा जो आप देख रहे हैं, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे लोगों का मजमा है और ये आज बताना चाह रहे हैं कि नहीं, हम जाग गए हैं। ये जो मरी हुई सरकार है, ये खाली हमारे ऊपर थोपते जा रही है कुछ भी। जो NRC हर जो छात्रों पे हमला हुआ, उन्हें पीटा गया, उसके अध्यापक को भी पीटा गया, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? JNU पे जो हमला हुआ, ये सरासर गुंडागर्दी है। ये RSS BJP के लोग थे वहाँ पे, जो वहाँ चेहरा बांध के आए और JNU पे गुंडागर्दी करे। ये छात्रों पे गुंडागर्दी हो रही है, ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? ये हिंदुस्तान तो ऐसा लग रहा है कि गुंडों का देश बन चुका है, ये गुंडों की सरकार आ गई है। आप महिलाएं और पुरुषों को सुरक्षित नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं मानते। ये सरकार में हम महिलाएं और किसी को हम सुरक्षित नहीं मानते, क्योंकि ये सरकार एक नंबर निकम्मी सरकार है। आज जो ये मोर्चा जो निकाला गया है, ये विधिक संगठनों द्वारा निकाला गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम CAA के विरोध में और NRC NPR के विरोध में सड़कों में निकले हैं। और जैसा कि BJP और RSS हिसाब से कहा जा रहा है कि ये हिंदू वर्सेस मुसलमानों की लड़ाई है, मैं आज आपके माध्यम से इस RSS की धरती से उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई ना हिंदू की लड़ाई है, ये ना मुसलमान की लड़ाई है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये CAA का जो कानून पास किया गया संसद के द्वारा, ये हमारे संविधान का उल्लंघन है। ये हमारे आर्टिकल के 14, 15 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है, जहाँ पर हमारे देश ने, संविधान ने हमें सबको एक समान अधिकार दिया है। यहाँ धर्म के आधार पर बंटवारे की साजिश रची जा रही है, हम इस बिल के खिलाफ है। जैसा कि मैंने कहा कि आज मंगलवार है और पूरे देश में NRC और CAA को लेकर काफ़ी विरोध दर्शाया जा रहा है।
लेकिन सरकार है कि तस मस नहीं हो पा रही है। ये नागपुर में आज मंगलवार को काफ़ी बड़ा एक बड़ी रैली निकाली गई है, जिसमें पुरुष तो थे ही लेकिन ज़्यादा तादाद में महिलाएं भी उपस्थित थी और उसी के साथ साथ बच्चे भी उपस्थित थे। तो कहीं ना कहीं देश में विरोध के कारण जेएनयू के छात्रों को बुरी तरह पीटा गया, वो दोनों बातें एकजुट होने की वजह से सरकार के का विरोध काफ़ी ज़्यादा तरीके से दर्शाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ बहनें हैं हमारी साथ में, हम उससे बात करेंगे कि ये किस सरकार को किस तरीके से मनाना चाहिए या सरकार को किस तरीके से उनका विरोध करके उन्हें किस तरीके से पीछे लेना चाहिए और एनआरसी और सीसीएए का विरोध जो हो रहा है वो खत्म होगा या ना होगा, वो भी हम बात करेंगे। टीएनएन 24 और एचजीपी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये रैलियाँ निकाले जा रही है एनआरसी के खिलाफ में और सीएए के खिलाफ, तो क्या लगता है आपको कि सरकार वापस लेगी? सरकार ने वापस ले या ना ले, लेना चाहिए, बट ये हमारा बोलना है कि लेना चाहिए। ये जो हम आज तक तो शांत नहीं रहे, हम रहेंगे भी नहीं। जो जेएनयू में जामिया यूनिवर्सिटी में जो इतना बड़ा हुआ है दिल्ली में, इतने बड़े स्टूडेंट्स के साथ, हम भी एक स्टूडेंट है, वो भी एक स्टूडेंट्स है, वो गर्ल्स है, हम भी गर्ल्स है, वहाँ बॉयज़ भी थे, यहाँ भी सब बॉयज़ है, जो उनके साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, वैसा नहीं होना चाहिए था। कोई भी रहे, वो कोई भी रहे, चाहे दुनिया में कोई भी स्टूडेंट्स रहे या कोई भी रहे, उनके साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए। चाहे वो अच्छे तरीके से करे, बुरे तरीके से करे, पर जो भी हुआ गलत हुआ। ये जो एनआरसी सीए एनपीआर जो भी है सब गलत हो रहा है और हम इसके अगेंस्ट करते रहेंगे और करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज इतनी बारिश आई फिर भी हम प्रोटेस्ट करें और हम हमेशा प्रोटेस्ट करेंगे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए। थैंक यू फॉर माय। नहीं, क्या आसाम में जिस तरीके से हुआ, ये वो दृश्य जो दिख रहा है कि कहीं आसाम में हम उनके साथ में और डिटेक्शन सेंटर में उन्हें रखा जा रहा है, तो कहीं ऐसी स्थिति ये हमारे भारत में और दूसरी जगह होने की संभावना है? ये दूसरी जगह कैसे होगा, वहाँ करे, चलो वहाँ के लोगों ने उतना प्रोटेस्ट उधर नहीं कर पाए, बट हम यहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे हमारा रिजल्ट दिख जाए, इंशाल्लाह ये हमारा जो हम कर रहे हैं हमारा अल्लाह ताला कबूल कर ले, हमारी इतनी मेहनत जो हम कर रहे हैं वो हमारा अल्लाह कामयाब कर दे हमको, बट हम ऐसा होने नहीं देंगे और ना होगा, क्योंकि ऐसा आज तक नहीं हुआ है, इंडिया में हुआ, ना कहीं और हुआ, ना होने देंगे हम ऐसा। इंशाअल्लाह हमारा अल्लाह है हमारे लिए, अल्लाह बहुत बड़ा है हमारे लिए। आपकी एज बहुत ही कम है। जी हाँ, हम बच्ची हैं, हम स्टूडेंट हैं। इस तरीके से ये दुआएं कर रही है कि ये एनआरसी और सीएए वापस लिया जाए, तो क्या बताया गया आपको एनआरसी के बारे में और सीएए के बारे में? एनआरसी के बारे में ये बताया गया है कि जो एक नागरिकता बोला जाता है, वो जो हम मुस्लिम हैं वो बोला जा रहा है, जो मुस्लिम है उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी और जो अदर कंट्री से आए हैं उन्हें हम नागरिकता सिटीजन्स दे देंगे, बट मुस्लिम्स को नहीं देंगे। बट अच्छा, ये कहाँ का रूल है? ये अमित शाह जो गृह मंत्री है, इन्होंने सबके नाम बताया था, दलित, हिंदू और मुस्लिम छोड़कर सारे नाम बताए थे, इसलिए आप चाह रही है कि वो नहीं, ऐसा मुस्लिम के इसमें नहीं बोल रही हूँ, अदर्स भी जो हैं मुस्लिम से ईसाई जो भी क्राइटेरिया है उनके खिलाफ में भी हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम हमारे लिए कर रहे हैं, हम अदर कम्युनिटीज़ के लिए भी ये कर रहे हैं। तो मेन रीज़न हमारा ये है रैली में आने का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम से इसीलिए है, लेकिन बेसिकली जो है एनआरसी और सीए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, और एज एन इंडियन सिटीजन ये ज़रूरी नहीं है कि हमको अब ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हम इंडियन सिटीजन्स है। ये हम जो देखी जा रही है वो समर्थन में भी निकाली जा रही है, समर्थन में भी, विरोध में ज़्यादा निकाली जा रही है, ऑब्वियसली वो रहेगा, लेकिन डेमोक्रेसी का मेन मोटो यही है कि हम हर इंसान को वो हक दे कि वो अपनी बात बोले। अगर वो उनके समर्थन में भी निकाल रहे हैं तो हमको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो लोग उसके सपोर्ट में है, लेकिन हम अगर उनके अगेंस्ट में हैं तो हमको भी उन लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि एबीवीपी वाले लोग जो है वो जेएनयू में जाके जो लेफ्टिस्ट हैं उनको मारेंगे और उनको पीटेंगे और जो दिल्ली पुलिस है वो उनका साथ देगी, ये गलत है। जब उनकी रैलीज में जाके हमारे लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनका भी ये काम नहीं है। तो ये बात कही है कि एनआरसी और सीएए के बारे में मुस्लिमों को डरने की जरूरत है नहीं है, घर घर जाके वो लोग अपनी सर बात ऐसी है, कहने वाली बात ऐसी है कि कहते तो हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत कुछ है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि कोई विश्वास करता है। तो अब ऐसा रहा नहीं है, अब तक हम करते आए, 4-5 साल हो गया है अब उनकी सरकार को, 4 साल हुआ 5 साल हुआ, उसके बाद अभी ये उनका फिर से 6ठा साल है। तो हमने भरोसा किया, बहुत बार किया, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी किया, लेकिन अब हमेशा नहीं चल सकता है ऐसा।
आर्टिकल 370 भी उन्होंने निकाला, ट्रिपल तलाक भी उन्होंने निकाला, हर रूल वो लाते हैं।